Hello everyone, today we are going to start a new chapter which is heredity. नाम तो इसका है heredity and evolution है, but evolution part हमारे syllabus से कट हो चुका है, इसलिए हम evolution part को नहीं करेंगे. हम सिर्फ क्या करेंगे, heredity वाला ही chapter complete करेंगे जो half chapter है हमारे syllabus में. Clear? तो हम सबसे पहले heredity की definition को देखते हैं कि what is heredity. तो heredity क्या है, transfer of characters from parents to their offspring. Transfer of characters या characteristics from parents to their offspring is called heredity. तो सबसे पहले बात हम इसी की कर रहे हैं कि heredity का meaning क्या होता है. Heredity का meaning क्या होता है कि जो genes हमारे अंदर हैं या जो character हमारे अंदर हैं वो हमारी next generation में चली जाए, उसी को हम क्या नाम देते हैं, heredity. तो उन हमारे जो characters हैं, हमारे अंदर जो genes हैं, हमारे अंदर जो DNA है, वो किसी अनदर किसी किसमें चला जाएगा, हमारी नेक्स्ट प्रोजेनी. प्रोजेनी का मीन्स जो नेक्स्ट जनरेशन आने वाली है. तो इसमें सबसे पहले मैं आपको कुछ एक डेफिनेशंस के बारे में समझाऊंगा, उसके बाद मैं आपका ये चैप्टर स्टार्ट करूंगा. तो सबसे पहले एक वर्ड आता है ऑफस्प्रिंग. चाहे आप ऑफस्प्रिंग बोले चाहे आप प्रोजेनी बोले, मतलब क्या होता है उसका, नेक्स्ट जनरेशन. ठीक है, एक वर्ड आएगा वेरिएशन. वेरिएशन का मतलब क्या होता है, चेंजेस. एक वर्ड आएगा ट्रेड. ट्रेड का मतलब क्या होता है, करैक्टर्स. ठीक है, वेरिएशन मतलब चेंजेस, ट्रेड का मतलब करैक्टर्स, ऑफस्प्रिंग प्रोजेनी का मतलब क्या होता है, नेक्स्ट जनरेशन. तो हमने इसके बारे में भी सबसे पहले बात करनी थी है क्या. देखिए, हेरिडिटी की शुरुआत ही कहाँ से होती है, यहीं से होती है कि वेरिएशन आते हैं, ट्रेड्स में चेंजेस आते हैं, मतलब करेक्टर में चेंजेस आते हैं, जिससे इवोल्यूशन होता है. तो उसमें सबसे पहले आप बात करेंगे वेरिएशन की, इसी टॉपिक के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं. तो वेरिएशन होते क्या है, वेरिएशन होते हैं चेंजेस जो आने वाली हमारी न्यू जनरेशन में हमें दिखाई देते हैं, या जिसकी वजह से क्या कह सकते हैं, इवोल्यूशन होता है. अब देखिए क्या होता है, हमारे इतनी बड़ी पॉपुलेशन के अंदर अगर आप देखेंगे तो हमारे ये जो ईयर लॉब्स होते हैं, ईयर लॉब, ये वाले ईयर लॉब्स क्या होते हैं, कईयों के क्या मिलेंगे आपको, अटैच, और कईयों के क्या मिलेंगे आपको, फ्री ईयर लॉब मिलेंगे. तो कई के फ्री हैं, कईयों के अटैच ईयर लॉब हैं. तो ये सब क्या है, ये क्या है मिलती है हमें, ये एक वेरिएशन मिलती है. क्लियर, हर किसी पॉपुलेशन के अंदर, हर किसी के अंदर आपको क्या मिलेंगी, अलग अलग वेरिएशंस मिलेंगी. क्लियर, क्योंकि क्या होता है, सबका डीएनए एक जैसा नहीं होता, सबके क्रोमोसोम एक जैसे नहीं होते, सब में कुछ ना कुछ क्या मिलते रहते हैं, चेंजेस मिलते रहते हैं. इसीलिए क्या होता है, आने वाली नेक्स्ट जनरेशन में हमें भी क्या मिलेगी, चेंजेस मिलेंगे. तो ये था आपका वेरिएशन के बारे में. नेक्स्ट अब जो हम बात करने वाले हैं वो है वेरिएशन के बाद क्रोमोसोम्स. क्रोमोसोम्स क्या है, क्रोमोसोम्स किसको बोलते हैं. देखो क्रोमोसोम्स क्या है, जो कि डीएनए प्रोटीन से मिलकर बनते हैं. डीएनए प्रोटीन से मिलकर क्या बनते हैं, हमारे क्रोमोसोम्स बनते हैं. लेकिन इन क्रोमोसोम्स में क्या मिलती है आपको, जीन्स मिलती है. और ये जीन्स ही क्या है, हेरिडिटी की स्मॉलेस्ट यूनिट. ये यू कह सकते हैं कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ हेरिडिटी इज कॉल्ड जीन. ये जीन ही क्या करती हैं, एक कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है. अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन के अंदर कोई कैरेक्टर है तो उनको ले जाने वाला भी कौन है, जीन्स है. ठीक है, तो क्रोमोसोम्स हमारी बॉडी में कितने होते हैं, 23 पेयर्स. तो हम इस चैप्टर में क्या बात करेंगे, एक तो हम प्लांट की बात करेंगे और एक हमारी खुद की एनिमल्स की बात करेंगे. तो सबसे पहले मैं आपको जीन्स के टाइप बताता हूँ. सबसे पहला जीन बोलते हैं डोमिनेंट जीन.
डोमिनेंट जीन और दूसरा जीन होता है रिसेसिव। डोमिनेंट एंड रिसेसिव वर्ड हम यूज करेंगे। नाउ व्हाट इज डोमिनेंट एंड व्हाट इज रिसेसिव। डोमिनेंट का मीनिंग क्या होता है, आपने एक वर्ड सुना ही है डोमिनेंट, बार बार सुना होगा। डोमिनेंट का मतलब होता है कि कोई किसी के ऊपर क्या हो, अपने करेक्टर को शो कर सके, अपने इफेक्ट को शो कर सके, वो डोमिनेंट कहलाता है उस दूसरे से। तो देखिए क्या होगा, मतलब ये हम जीन की बात करें तो जीन तो किस पे डोमिनेंट होगी, किसी दूसरे जीन पे ही डोमिनेंट होगी। तो डोमिनेंट का मतलब ये हुआ कि द जीन विच शोज इट्स इफेक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ एन ऑल्टरनेटिव जीन, किसी ऑल्टरनेटिव जीन की प्रेजेंस में अपने इफेक्ट को शो करे, उसको हम डोमिनेंट बोलते हैं। जैसे मान लीजिए ये टी है, ये स्मॉल टी है, ठीक है। अब देखिए टी का मतलब यहाँ मैं अब जब प्लांट की बात करूंगा, यहाँ टी का मतलब है टॉल प्लांट, टॉल कैपिटल टी। ये एक डोमिनेंट जीन है जिसको हम हमेशा कैपिटल लेटर से शो करेंगे, लेकिन ये जो स्मॉल है लेटर स्मॉल टी, ये क्या है, रिसेसिव। स्मॉल टी क्या है, रिसेसिव। तो स्मॉल टी के लिए हम जो वर्ड यूज करेंगे वो यूज करेंगे ड्वार्फ। रिसेसिव जीन है ये हमेशा ड्वार्फ प्लांट से बना सकती है, ठीक है। और कैपिटल टी है वो कैसे बना सकती है, टॉल प्लांट बना सकती है। अब रिसेसिव की बात करें डेफिनेशन की, तो द जीन्स विच शोज देयर इफेक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ इट्स आइडेंटिकल जीन, वो अपने आइडेंटिकल जीन में ही क्या करती है, वो क्या बना सकते हैं, अपने अपने करेक्टर या ट्रेट को शो कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए स्मॉल टी और स्मॉल टी। अब देखिए अपने आइडेंटिकल, आइडेंटिकल मीन्स एक जैसे ही जीन की प्रेजेंस में वो क्या कर सकती हैं, अपने करेक्टर्स को शो कर सकती हैं, उसको हम कौन सी बोलते हैं, रिसेसिव। और इससे हमेशा कैसे प्लांट बनते हैं, ड्वार्फ। इससे कैसे बनते हैं, हमेशा टॉल। तो इसको स्मॉल लेटर से हम शो करेंगे रिसेसिव को, और कैपिटल से हम शो कर रहे हैं किसको, डोमिनेंट को। तो इस केस में जो प्लांट बनेंगे वो टॉल बनेंगे, इस केस में जो प्लांट बनेंगे वो ड्वार्फ बनेंगे। तो ये तो था हमारा डोमिनेंट एंड रिसेसिव जीन्स के बारे में। लेकिन इसी के साथ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, जैसे मान लो बात करते हैं जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक। जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक। नाउ व्हाट इज जीनोटिपिक एंड व्हाट इज फिनोटिपिक। जीनोटिपिक जो वर्ड है वो रिलेटेड टू है जीन्स, किसके रिलेटेड है, जीन्स। देखिए अगर जीन्स में कुछ चेंजेस हैं, जीन्स में कुछ वेरिएशंस हैं, तो हम बात करेंगे जीनोटिपिक। अगर बॉडी में कुछ विजिबल करेक्टर्स में चेंजेस आ रहे हैं, देखिए जीन्स में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, जीन्स में क्या आ रहे हैं, चेंजेस। जीन्स में चेंजेस आ रहे हैं तो हम बात करें बोलेंगे कि जीनोटिपिक है। जैसे ये एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, अगर मैं बात करूं कैपिटल टी, देखिए दोनों ही कैसे करेक्टर हैं, इसमें डोमिनेंट करेक्टर है, ठीक है। ये कैपिटल टी भी डोमिनेंट है, ये कैपिटल टी भी डोमिनेंट है, तो प्लांट कैसा आएगा, टॉल ही आएगा। अब स्मॉल टी है तो प्लांट कैसा आएगा, ड्वार्फ आएगा। स्मॉल किसको डिनोट करता है, रिसेसिव को। कैपिटल किसको डिनोट करता है, टॉल को। लेकिन जो डोमिनेंट जीन है वो किसी दूसरे रिसेसिव जीन के प्रेजेंस में भी अपने इफेक्ट को शो कर देती है, तो इसको हम नाम इसलिए देते हैं, ये कैसा प्लांट बनेगा, हमेशा टॉल ही प्लांट बनेगा। लेकिन ये स्मॉल टी ड्वार्फ बनेगा। लेकिन अकेला टी किसी कैपिटल टी, यानी कि स्मॉल टी किसी कैपिटल टी के साथ लगा हो तो डोमिनेंट करेक्टर ही आएंगे, रिसेसिव नहीं आएंगे। तो जीन्स में चेंज आना जीनोटिपिक है, लेकिन ये जीनोटिपिक चेंज है क्योंकि इसकी जीन्स में क्या है, कैपिटल टी की जगह क्या आ चुका है, स्मॉल टी, तो ये क्या हुआ, जीनोटिपिक। फिनोटिपिक का मतलब क्या होता है, जो विजिबल चेंजेस हैं, विजिबल मतलब जिसको हम देख सकते हैं। तो ये सारे वेजिटेटिव चेंजेस हैं जो कि क्या होते हैं, जो हमें बाहर से दिखाई देते हैं। जैसे कोई पर्सन मोटा है, कोई पर्सन पतला है, कोई पर्सन लंबा है, कोई पर्सन छोटा है, तो ये सारे के सारे करेक्टर कौन से हैं, फिनोटिपिक करेक्टर्स। तो सबसे पहले मैंने आपको ये बता दिया कि कैसे कैसे हम चैप्टर में आगे बढ़ेंगे, क्या इसका बेस है, ये सब मैंने पॉइंट्स आपको समझा दिए। अब जो चैप्टर की शुरुआत होती है, वो चैप्टर की शुरुआत होती है एक साइंटिस्ट से जिसका नाम है मेंडल। साइंटिस्ट का नाम क्या है, मेंडल। मेंडल नाम का एक साइंटिस्ट है जिसने क्या किया था, जिसने हेरिडिटी के लिए, जिसको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है,
father of genetics. इसको father of genetics बोला जाता है मेंडल को. इसका पूरा नाम है ग्रिगोर मेंडल. ग्रिगोर मेंडल जिसको हमने नाम क्या दिया, फादर ऑफ जेनेटिक्स. देखिए इसने एक प्लांट लिया, पी प्लांट, स्वीट पी प्लांट है. इसने पी प्लांट को चूज किया जिसका बॉटेनिकल नेम पाइसम स्टाइनो. अंडरलाइन करेंगे हम इसको, माइंड में आप लोगों ने नॉर्मल लेक्चर में देखा था पाइसम स्टाइलो, इसको अंडरलाइन करेंगे. और हमने प्लांट कैसा लिया, स्वीट पी प्लांट लिया. देखिए इसको पी प्लांट की क्यों चूज किया इसने, व्हाट वाज द रीजन टू चूज द पी प्लांट. बहुत सारे रीजन थे. एक तो इसको ग्रो करना इजी है. ग्रो करना क्या है, इजी. ये सेल्फ पॉलिनेशन कर सकते हैं, ठीक है. सेल्फ पॉलिनेशन कर सकता है, ग्रो करना इजी है. इसको क्या कर सकते हैं हम, जल्दी ऑब्टेन कर सकते हैं, इजी टू ऑब्टेन, इजी है ये ऑब्टेन करना. और इसमें बहुत सारे क्या मिलते हैं हमें, वेरिएशन मिलते हैं, ठीक है. हर कंडीशन में जल्दी से ग्रो कर जाता है, जल्दी ग्रो करता है और चीप है. इसको ग्रो करना बड़ा आसान है, सस्ता पड़ता है. इसीलिए हम बोलते हैं इसको कि इसी ने मेंडल ने क्या किया, अब पी प्लांट को चूज किया. सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि मेंडल ने जो है वो पी प्लांट ही क्यों चूज किया, वो हमने बात कर ली. और पी प्लांट में उसको ऐसा क्या मिला कि उसने पी प्लांट ही लिया. पी प्लांट में उसने बहुत सारे कैरेक्टर्स देखे. सबसे पहला कैरेक्टर मैं यहाँ डोमिनेंट लिख रहा हूँ, यहाँ मैं रिसेसिव लिख रहा हूँ. सबसे पहला कैरेक्टर उसने जो लिया था वो टॉल ड्वार्फ का लिया था. ये जो प्लांट है वो टॉल होगा, इसको हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करेंगे. और ये क्या था, ड्वार्फ. रिसेसिव कैरेक्टर कौन सा उसका, द्वार, इसको हम स्मॉल टी से करेंगे. ये तो था प्लांट का कैरेक्टर. दूसरी हम बात करेंगे सीड की. सीड उसने क्या किया, राउंड, राउंड को रिप्रेजेंट करेंगे आर से. और स्मॉल को क्या करेंगे, इससे रिंकल को, सॉरी रिंकल को रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल आर से, ठीक है. अब येलो की बात करें, कैपिटल वाई. और येलो के साथ कौन आ जाएगा, ग्रीन. ग्रीन को किसे रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल वाई से, ठीक है. ये तीन कैरेक्टर हो गए. फिर था फ्लावर का कलर. सीड के एक साथ हम दो कैरेक्टर लेके चलेंगे, क्योंकि जो सीड राउंड है वो येलो मिलेगा आपको, जो रिंकल्ड है वो ग्रीन मिलेगा आपको जब हम क्रॉस करेंगे. लेकिन जब उसका रिजल्ट आएगा तो वो कुछ अलग आएगा, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे. पहले हम जस्ट कैरेक्टर की बात करते हैं. फ्लावर के जो कैरेक्टर की बात करें तो व्हाइट, कैपिटल डब्ल्यू, और वायलेट, स्मॉल डब्ल्यू, ठीक है. इसको हम कैरेक्टर को यूज नहीं करेंगे, जस्ट हमने इसमें एक वेरिएशन देखी थी कि हमें क्या क्या कैरेक्टर्स किसी भी पी प्लांट में मिल सकते हैं, उनकी हम जस्ट बात कर रहे हैं, ठीक है. तो अब हम सबसे पहले बात करते हैं मेंडल के फर्स्ट क्रॉस की, जिसका नाम है मोनोहाइब्रिड क्रॉस. मेंडल ने क्या किया, जो पी प्लांट लिए थे, पी प्लांट के अंदर उसने 1064 प्लांट्स लिए थे फर्स्ट क्रॉस में. अब ये क्रॉस क्या है, क्रॉस का मतलब है हमने इनका पॉलिनेशन ही करवाना है एक तरीके से. और पॉलिनेशन करवाने के बाद हमें जो नए प्लांट्स अपटेन होंगे वो कैसे प्लांट होंगे उनकी बात करेंगे. तो सबसे पहले जो उसने क्रॉस करवाया था वो उसका नाम था मोनोहाइब्रिड क्रॉस, यानी कि दो कैरेक्टरिस्टिक को आपस में मिक्स करना है हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस. लेकिन मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब क्या है, जिसमें हम एक सिंगल करेक्टर को लेके चलते हैं. ओनली क्या ले रहे हैं, सिंगल करेक्टर, सिंगल ट्रेड लेके चलते हैं हम. सिंगल ट्रेड में कौन सी ट्रेड ली, हमने टॉल ड्वार्फ वाली, यानी कि लेंथ हम लोग. तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि हमने लिया प्योर टॉल. अब ये क्या है, प्योर टॉल. और जब हम देखें कि एक जैसे जीन होते हैं तो उसको बोलते हैं होमोजाइगस. उसको क्या बोलते हैं, होमोजाइगस, ठीक है. और जैसे मान लीजिए डिफरेंट जीन्स है तो इसको बोलेंगे हेटरोजाइगस. पहले नाम क्या दिया, होमोजाइगस. अब इसको दूसरे को, ये डिफरेंट टाइप के जीन्स है ना, इसमें देखिए दोनों अलग अलग जीन्स हैं, तो इसका नाम दे देंगे हम हेटरोजाइगस. देखिए जब मेंडल ने एक्सपेरिमेंट शुरू किए थे तो उस टाइम जीन की डिस्कवरी नहीं हुई थी,
जीन्स नहीं बोलते थे इनको, फैक्टर्स बोलते थे। तो हमने क्या लिया, कैपिटल डी फैक्टर्स लिए, ठीक है। और हमने एक और प्लांट लिया जो कि द्वार, प्योर क्यूरी बोलते हैं इसको, क्योंकि ये होता ही प्योर एक तरीके से, क्योंकि इसमें एक ही केस बन सकता है स्मॉल टी, लेकिन इसमें डी और टी, देखिए ये भी तो टॉल है ये भी टॉल है, लेकिन इसमें दोनों टी ही एक जैसे हैं, तो इसको प्योर टॉल बोलती है। और ये स्मॉल टी तो इसको हमने क्या बोल दिया, द्वार बोल दिया, ठीक है जी। इसके बाद बात करते हैं हम आगे की तरफ कि इसने क्या किया, बाद में इसने क्या किया, दो गैमेट्स बनाए, ये कैपिटल डी, ये क्या है स्मॉल टी, ये क्या बना दिए इसने, इसके अंदर गैमेट्स बना दिए, कैपिटल डी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। ये जो जीन्स यानी कि फैक्टर्स इसने लिए हैं उससे इसने क्या बनाए, दो गैमेट्स बनाए, एक टी और टी, टी और टी, इनका आपस में क्या कराया क्रॉस, पहले का इसके साथ कराएंगे क्योंकि दो अलग अलग प्लांट लिए ना, एक ये एक ये, तो किसका इसके साथ क्रॉस कराया, कैपिटल डी आया, इसका इसके साथ करवाया कैपिटल डी स्मॉल टी और कैपिटल डी स्मॉल टी, ठीक है। हमारे पास चारों प्लांट कैसे आएंगे, देखिए जैसे ये था, इसमें एक टी कैपिटल है तो ये क्या होगा टॉल, ये भी क्या है टॉल, ये भी क्या है टॉल और ये भी क्या है टॉल। तो उसने ये देखा तो उसकी फर्स्ट जनरेशन में उसको सभी प्लांट्स कैसे मिले, टॉल प्लांट्स मिले, तो ऑल वर टॉल प्लांट्स, सभी प्लांट्स कैसे थे टॉल थे। इसको इसने नाम दिया F1 जनरेशन, F1 जनरेशन, यहां F1 का मतलब होता है फर्स्ट पीरियड, क्या नाम होता है इसका, फर्स्ट पीरियल जनरेशन, जिसको हमने नाम क्या दिया F1। तो F1 जनरेशन के जो हमें प्लांट्स मिले हैं कैपिटल डी स्मॉल टी, इन्हीं का हम सेल्फ पॉलिनेशन करवाएंगे वो अगली जनरेशन के लिए। अब वो कैसे करेंगे उसके बारे में हम अभी डिस्कस करते हैं। तो F1 जनरेशन में आपको कैसे सारे के सारे प्लांट, यानी कि चारों के चारों प्लांट आपको क्या मिले, टॉल मिले। लेकिन जब हमने इसको दोबारा आपस में सेल्फ पॉलिनेशन करवाया तो हमें क्या मिला, ये देखिए मेरी जान से थोड़ा सा, जब हम इसकी सेकंड इसमें करवाएंगे कैपिटल डी स्मॉल टी, अभी देखिए ये तो थे फैक्टर सिस्टम और इसको क्या बना दिए हमने, गैमेट्स बना दिए, ये क्या बन गए इसके गैमेट्स, कैपिटल डी स्मॉल टी, हमारे पास इसके गैमेट्स आ गए। अब इन गैमेट्स का हमने आपस में क्या करवाना है, क्रॉस करवाना है, क्रॉस कराएंगे तो हमें फिर से क्या मिलेगी, फर्स्ट फीरियल नहीं मिलेगी, अब कौन सी जनरेशन मिलने वाली है, F2 जनरेशन, तो हम इसको नाम क्या दे देंगे F2, यानी कि कौन सी सेकेंड फीरियल जनरेशन। सेकेंड फीरियल कैसे आएगी, इसका इसके साथ क्रॉस कराएंगे तो कैपिटल डी, इसका इसके साथ कराएंगे तो कैपिटल डी स्मॉल टी, इसका इसके साथ कराएंगे कैपिटल डी स्मॉल टी, कैपिटल पहले आएगा स्मॉल बाद में आएगा, इसका इसके साथ कराएंगे स्मॉल टी। हमने ये देखा कि तीन प्लांट, ये भी टॉल, ये भी टॉल, ये भी टॉल, तीनों प्लांट से कैसे आते हैं टॉल, लेकिन ये एक प्लांट कैसा आ गया हमारे पास ड्वार्फ। तो हमने इसमें दो तरह की रेशो डिस्कस करेंगे कि इसने ये दिखा दिया कि हमने शुरू में जो प्लांट लिए थे एक टॉल और एक ड्वार्फ लिया था, जब मैंने शुरू किया था पेरेंट प्लांट लिए थे वो एक टॉल और एक ड्वार्फ लिया था, लेकिन जब फर्स्ट जनरेशन में हमने देखा तो फर्स्ट जनरेशन में हमें सारे के सारे प्लांट्स कैसे मिले टॉल मिले, लेकिन जब हमने सेल्फ पॉलिनेशन करवाया F2 जनरेशन के अंदर तो उसमें क्या मिले, तीन प्लांट्स तो टॉल मिले और एक प्लांट कैसा मिला इसमें ड्वार्फ। तो हम बात करें फिनोटिपिक और फिनोटिपिक की, जीनोटिपिक और फिनोटिपिक की, तो इनकी रेशियो कैसे हुई, मतलब इनके जीन्स में क्या चेंजेस आए और इनकी विजिबल करेक्टर्स में क्या चेंजेस आए, उसकी हमने बात करनी है। तो जीनोटिपिक में हम देखेंगे, देखिए एक तरह का जीन है, ये दो जो है वो एक तरह के जीन है और लास्ट वाला है वो एक तरह का जीन है, तो हमने इसकी रेशियो देखी जीनोटिपिक, जीनोटिपिक रेशियो क्या बनेगी इसकी, 1:2:1, ये 1, ये 2 और ये 1। हमने देखा कि इनकी जीन्स एक जैसी है, इसको 1 लिख दिया, इन दोनों की जीन्स एक जैसी है, इसको 2 लिख दिया,
इसकी जीन एक जैसी है तो एक लिख दिया, तो ये तो क्या आ गई जीनोटिपिक रेशियो। हालांकि तीनों प्लांट स्टॉल है और एक ड्वार्फ है, फिर भी हमने जीनोटिपिक में क्या देखा 1:1 क्योंकि जीन्स में चेंजेस है। लेकिन अगर हम फिनोटिपिक की बात करें तो फिनोटिपिक में क्या आया 3 प्लांट टॉल और 1 प्लांट ड्वार्फ, तो फिनोटिपिक में क्या बोलेंगे हम 3:1, 3 टॉल और 1 क्या आ गया ड्वार्फ, तो हम ये बोलेंगे कि कैसी रेशियो आ गई हमारे पास फिनोटिपिक रेशियो। देखिए मेंडल ने 3-4 लॉ दे रखे हैं, मेनली तो इसके 3 लॉज हैं जो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको फिर एक क्रॉस कराऊंगा जिसका नाम है डाइहाइब्रिड क्रॉस, उसके बाद ही वो लॉ मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको, क्योंकि तभी वो आपको लॉ आसानी से समझ में आएंगे कि जब हम फर्स्ट और सेकंड दोनों क्रॉस कर लेंगे मोनोहाइब्रिड एंड डाइहाइब्रिड, जब हम दोनों क्रॉस कर लेंगे तभी आपको वो लॉ समझ में आ सकते हैं। तो इसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। तो मेंडल ने जो रिजल्ट निकाला है वो 2:3:1 में क्या आ गया, इसका रिजल्ट आ गया, यानी कि 3 इसको कैसे प्लांट मिलते हैं टॉल और 1 कैसा मिलता है ड्वार। इससे एक कंक्लूजन और निकलता है कि जो मेंडल ने देखा कि फर्स्ट जनरेशन में अपने करेक्टर्स को वो शो नहीं कर पाता थी प्लांट, लेकिन सेकेंड जनरेशन में अपने करेक्टर को शो कर देता है, कौन ड्वार जी, यानी कि रिसेसिव जीन, ये रिसेसिव जीन अपने करेक्टर को सेकंड जनरेशन में शो करती है फर्स्ट जनरेशन में नहीं करती। तो ये तो था आपका मेंडल का मोनोहाइब्रिड क्रॉस।